एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे प्रभा वर्कबुक क्लास 6 to 7 सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4 का सॉल्यूशन, जो कि आपके पेज नंबर 48 पर स्थित है। इससे पहले हमने वर्कशीट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के सॉल्यूशन देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ हम सीखेंगे वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन। यहाँ है द लर्नर कैन यूज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अगर इससे पहले आपने और भी वर्कशीट जो दे रखी है आपकी प्रभा वर्कबुक में, अगर आपने देखी है तो आपको समझ आ गया होगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं, क्या होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव। तो हम यहाँ सीखेंगे एडजेक्टिव का यूज करना प्रॉपरली। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। एक बॉक्स दे रखा है हमें, उसमें हमें कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस में करेक्ट एडजेक्टिव को फिल करना है। यहाँ सेंटेंस है योर बैग इज टू ब्लैंक, क्या होगा यहाँ, हैवी। तुम्हारा बैग, जो बैग है वो बहुत ज्यादा भारी है, ठीक है। भारी शब्द के लिए यूज करेंगे हैवी। जब भी हम किसी की विशेषता बताते हैं तो वे शब्द कहलाते हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव। यहाँ हैवी जो है वो क्या बता रहा है कि बैग जो है वो क्या है, भारी, ठीक है। बैग की विशेषता है हैवी है वह। सेकेंड सेंटेंस है आई हैव अ ब्लैंक नाइफ, मेरे पास एक नाइफ है, कैसा, शार्प। तो यहां लिखेंगे शार्प नाइफ, आई हैव अ शार्प नाइफ, मेरे पास एक पेना चाकू है या चाकू है, ठीक है। तो चाकू की विशेषता है कि वे पेना है या धारीदार है, ठीक है। थर्ड है हर रूम इज सो ब्लैंक, उसका रूम क्या है, क्लीन। तो यहां लिखेंगे हर रूम इज सो क्लीन, उसका रूम बहुत साफ है। फोर्थ है माई सिस्टर्स हेयर आर ब्लैंक, यहां लिखेंगे हेयर के लिए कर्ली, मेरी सिस्टर के बाल कर्ली हैं। तो यहां कर्ली को यूज करेंगे, हेयर की विशेषता है कि वे कर्ली हैं, ठीक है। कैसे बाल है, कर्ली बाल। क्या कैसे का अगर हमें आंसर मिलता है तो वो क्या होते हैं, हमारी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस है आई डोंट लाइक ब्लैंक स्ट्रीट, तो यहां लिखेंगे डर्टी, मुझे गंदी गलियां पसंद नहीं है, कैसी गलियां पसंद नहीं है, गंदी गलियां, यहां डर्टी लिखेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ है ऑल टीचर्स आर ब्लैंक इन माय स्कूल, यहाँ क्या लिखेंगे, हेल्पफुल, ऑल टीचर्स आर हेल्पफुल इन माय स्कूल, मेरे स्कूल में सभी टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं, क्या है, हेल्पफुल। सेवेंथ महाराणा कुंभा वॉज अ ब्लैंक किंग, यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रेट। महाराणा कुंभा कैसे किंग थे, ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ किंग की विशेषता है कि वे ग्रेट हैं, कैसे किंग थे, ग्रेट किंग थे, हमारा आंसर मिल गया है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट एट है ऑल ब्लैंक सोल्जर्स विजिटेड न्यू दिल्ली, यहाँ यूज करेंगे सोल्जर्स के लिए ब्रेव, सभी बहादुर सैनिकों ने विजिट किया दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ सैनिकों की विशेषता है कि वे बहादुर हैं, ठीक है। नाइन्थ है द सनलाइट इज सो ब्लैंक, सनलाइट कैसी है, ब्राइट। तो यहां सनलाइट की विशेषता है कि वह ब्राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस है वीनू हैव अ ब्लैंक ड्रेस, कैसी ड्रेस है वीनू के पास, रेड ड्रेस, वीनू हैव अ रेड ड्रेस, वीनू के पास लाल ड्रेस है, ठीक है। तो ये था वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने सीखा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव का यूज करना। तो इसी तरह हम आगे भी वर्कशीट असेसमेंट देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।